So welcome to all members. So from today we start higher education most important points. Last time आपकी जो quick revision note series है ये इसके लिए. So first point, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम 20 most important points discuss करेंगे, तो उसी के लिए first point is overall India ranking 2020. ये आपका current affair में से question आ सकता है कि हमारा जो overall India में first ranking किसको दी गई है. So first point is Indian Institute of Technology Madras. Second, Indian Institute of Science. Third, ranking Indian Institute of Technology Delhi. So ये हमारा overall India ranking के basis पे है by MHRD in 2020 recently. So Indian Institute of Technology Bombay is a fourth rank on overall number. फिफ्थ रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर. पॉइंट नंबर सिक्स पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड सेवन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी. तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये आपकी ओवरऑल इंडिया रैंकिंग है जो एमएचआरडी ने करंटली प्रोवाइड की है. ये आपको करंट अफेयर में से आ सकता है हायर एजुकेशन में. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक रैंकिंग पता होनी चाहिए और इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. द नेम इज यूजीसी हब, सेम लाइक यूट्यूब चैनल. सो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. सो नो नीड टू डाउनलोड. सो वहां उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो ये तो थी ओवरऑल इंडिया रैंकिंग जो हमें 2020 में मिली, जो करंटली एमएचआरडी द्वारा प्रोवाइड की गई है. सेकेंड इज, अब हम बात करेंगे जो हमारा करंट पॉइंट है. जैसे यहाँ पर हमें ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग दी गई थी, वैसे ही हमें ये भी देखना है कि कॉलेजेस में फर्स्ट रैंक किसको मिला है इन 2020. सो सेकंड पॉइंट इज इंडिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी. सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में इंडिया ने किसको रैंक दिया है ऑन 2020 और ये रैंकिंग भी किसने की है, एमएचआरडी ने. सो जितनी भी रैंकिंग होती है, वेदर इट्स यूनिवर्सिटी बेसिस, वेदर इट्स बेस्ड ऑन कॉलेज, वेदर इट्स ओवरऑल रैंकिंग, तो वो आपकी कौन करता है, एमएचआरडी. सबसे पहले तो ये पॉइंट है. अब एमएचआरडी ने यूनिवर्सिटी में सबसे फर्स्ट रैंक किस यूनिवर्सिटी को दिया था, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोरु. ये आपकी लास्ट 5 ईयर से फर्स्ट नंबर पर है. सेकेंड रैंक पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, देन अमृत विश्वविद्यापीठम इन कोयम्बटूर तमिलनाडु, देन जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड द लास्ट इज कलकत्ता. मैं आपको यहाँ पे 7 यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि फर्स्ट रैंक किसको मिला, सेकेंड रैंक किसको मिला, थर्ड रैंक किसको मिला. ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर ऑफ रैंकिंग याद कर सकते हो. मैं आपको लास्ट 7 ईयर्स के दे रही हूँ, वो आपको देखना है कि आप कितना याद रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज इंडिया रैंकिंग बेस्ड ऑन कॉलेज. अब हम बात करते हैं कि कॉलेज में फर्स्ट रैंक किसको गया था बाय एमएचआरडी इन 2020. सो सेम, मिरांडा हाउस इन दिल्ली गॉट फर्स्ट रैंक ऑन इंडिया रैंकिंग कॉलेज. सेकेंड पॉइंट इज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, अगेन न्यू दिल्ली में से ही सेकेंड रैंक है. थर्ड, हिंदू कॉलेज इन दिल्ली, ये भी आपका थर्ड रैंक जो है वो दिल्ली से है. उसके बाद सेंट स्टेफन कॉलेज इन दिल्ली, अगेन फ्रॉम दिल्ली. देन फिफ्थ रैंकिंग इज प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई एंड सिक्स रैंक गिवन इन लॉयल कॉलेज इन चेन्नई एंड सेवेंथ रैंकिंग इज सेंट जेवियर कॉलेज इन कोलकाता. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से कॉलेज को कौन सी रैंकिंग दी गई थी. बट लास्ट टाइम से सेम ही आपका यहाँ पे है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा हायर एजुकेशन का मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. यहां से भी आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट आपको मैंने बताना था कि जो हमारे पीरियड स्टार्ट हुए थे इन एजुकेशन सेक्टर, वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड. सो गुप्ता पीरियड में नालंदा, तक्षशिला एंड उज्जैन को
डेवलप किया गया था। इन सब की एक अलग अलग स्पेशलिटी थी। सो फर्स्ट इज नालंदा, इनका मेन एम था ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करना। तक्षशिला ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन एंड उज्जैन ऑल ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सेकेंड पीरियड आया बुद्धिज्म का, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी दैट इज सरनाथ यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेट सेंटर है और नंबर वन सेंटर है जहां पे आप बुद्धिज्म की स्टडी कर सकते हो। फिर आया मुगल एजुकेशन राज्य, उसमें था कि हमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डेवलप करते हैं हम करंटली, वो दिया तो हमें मुगलों ने था। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आया है वो मुगल एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया है। उसके बाद इन 2006 में, ये आपको याद रखनी है अच्छे से, कि जो नालंदा था ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था, बट इसको रीस्टोर किया गया था इन 2006 में फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक सिंगापुर, चाइना, इंडिया, जापान एंड अदर नेशंस ने एक प्रिपेयर किया था प्लान टू रिस्टोर अ नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज, अब आपको डेट वाइज मैं यहाँ पे डाटा दे रही हूँ हर एक प्री और इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का। तो फर्स्ट इज 1813 में एक चार्टर एक्ट डेवलप हुआ था जिन्होंने हमें साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड की। उसके बाद 1823 में एल्फिनस्टोन रिपोर्ट डेवलप की गई जिनका मेन एम था कि स्कूल सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करना चाहिए इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये आपको दिया था 1823 में। बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्फिनस्टोन रिपोर्ट इट रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर्स एंड ट्रेनिंग टू टीचर्स। एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक तरह से सेटअप हुआ था 1834 इन बॉम्बे, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट। जैसा आपको पता है न्यू डेवलपमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला था कि स्कूल सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करना चाहिए, और ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, 1835 में एक मकॉले मिनट्स को डेवलप किया गया था। मकॉले बेसिकली एक लॉर्ड हैं, लॉर्ड थे जो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इंग्लिश को अपनी एजुकेशन में ऐड करना चाहिए। तो इन्होंने ये दिया था 1835 में। अब आपको डेट्स भी याद रखनी है और इनका मेन एम भी याद रखना है। इन्होंने कहा था कि इंग्लिश को अपनी एजुकेशन में एंटर किया जाए बेसिकली फ्रॉम प्राइमरी लाइक एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी बेस एजुकेशन में, क्योंकि वहीं से आपका बेस बनता है। तो इन्होंने एक मॉडर्न इंडिया को सोचा था। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच रिपोर्ट बनाई गई जिन्होंने, जो एक फर्स्ट पॉलिसी भी थी रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। सो इट वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। इन्होंने बेसिकली थ्री यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड किया था, ये नेम इज मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी, विच वर सेट अप इन 1857, मतलब आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ वुड डिस्पैच रिपोर्ट। देन वी डेवलप हंटर कमीशन ऑन 1882 टू 83 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन है इनको थोड़ा अलग अलग रखिए, मतलब इनको सेग्रीगेट करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई यूनिवर्सिटी कमीशन ऑन जनवरी 27, 1902 में, इसका आपको डेट याद होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट 11 दैट इज 1913 में रिजोल्यूशन किया गया था दोबारा एजुकेशन पॉलिसी को। 1917 में सेटलर कमीशन आई थी ऑल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिन्होंने कहा था कि डिग्रीज को और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को सेग्रीगेट करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। 1929 में हार्तोग कमेटी को डेवलप किया गया जिनका मेन एम था इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। 1937 में अगेन अबॉट वुड रिपोर्ट डेवलप की गई थी जिनका मेन एम था मीडियम ऑफ इंग्लिश। अगेन आपको याद होगा, अभी इससे पहले भी हमने इंग्लिश के बारे में की थी, लॉर्ड मैकॉला ने दी थी, वो आपको याद रखना है कि किसका क्या मेन एम था। 1937 में एक चीज और हुई थी, वर्धा एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन डेवलप किया गया था बाय महात्मा गांधी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1937 में। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल क्या होता है, बेसिकली लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल लीडिंग टू मास्टर्स डिग्री एंड द लास्ट वन इज रिसर्च लेवल लीडिंग टू पीएचडी फेलोशिप और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री। तो इसमें आपका पूरा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कवर हो गया। अब आती है बात जो इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं हायर एजुकेशन में, वो कौन कौन है।
ये आपके मेन सिक्स हायर जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं इन हायर एजुकेशन सेक्टर. फर्स्ट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म इज AICTE. आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछने बोल सकते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए. सेकेंड इज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. थर्ड इज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR. And the last one is University Grant Commission, UGC already. अब कुछ initiatives लिए थे by MHRD. MHRD the full form is Ministry of Human Resource Development. इन्होंने कुछ ICT initiative लिए थे. You already know दो type की apps develop की गई थी. The first is Swayam and the second one is Swayam Prabha. इसमें जैसे Swayam है, that is massive open online courses हैं, जो कि for students and researchers के लिए free हैं. और ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक्स्ट्रा उनको डेवलप करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज. सेम इज लाइक स्वयं प्रभा, बट इसमें ये है कि 24/7 आपको क्वालिटी बेस्ड यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज डिजिटल कंटेंट. अब आपको ये तो पता लग गया कि हमें ऐप तो मिल गई, बट डिजिटल कंटेंट भी तो होना चाहिए जिसमें ई बुक्स हो, कुछ जर्नल्स हो. तो वो भी डेवलप किया गया था बाय MHRD. फर्स्ट वन इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑल्सो डेवलप ई कंटेंट जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स है. बस इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा NDL क्लब. सेकेंड वन इज EPG पाठशाला जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट बेस्ड बुक्स एंड जर्नल्स आपको मिल जाएंगे. थर्ड वन इज शोध गंगा जिसमें कि आपको रिसर्च बेस्ड आपको स्कॉलरशिप के लिए, आप अगर आप हायर लेवल की एजुकेशन करना चाहते हो तो वहां से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा. एंड द लास्ट वन इज EJournal जिसमें कि आपको फुल टेक्स्ट resources मिलेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 जो आपके हायर एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज NAAC. सो NAAC द फुल फॉर्म इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल. तो बेसिकली NAAC को एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में. इनका मेन एम क्या था कि जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को कभी भी खराब नहीं होने देना, क्वालिटी को अश्योर करता था. इसके अंदर बेसिकली 3 आपके जो हायर सीनियर थे वो थे. फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड वन इज चेयरपर्सन एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव कमिटी. सो यहाँ पे जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे वो GC करता था, दैट इज जनरल काउंसिल. एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी होती थी जो कि पॉलिसीज बनाते थे एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए. ओके, सो बेसिकली NAAC एक एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव कमिटी है. नेक्स्ट वन इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ऑल आर नो दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही UGC और अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उनको कंडक्ट करवाता है. सो बेसिकली इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन जो कि UGC नेट एग्जाम भी करवाता है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी करवाता है जो हायर लेवल से रिलेटेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली फॉर एडवोकेट्स ओनली. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो को पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया था टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट ऑफ द इंडियन बार, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर एडवोकेट एक्ट इन 1961 में. इनका मेन फंक्शन क्या था, टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टेट बार काउंसिल में, प्रमोट करना लॉ को एंड जितने भी लॉ के रूल्स एंड कंडक्ट्स हैं उनको फॉलो करना. सो यहाँ पे इनका मेन एम यही था, बट ये मोस्टली एडवोकेट्स के लिए थे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 इज फॉर्मल एजुकेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन. सो बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड इज सेकेंडरी एजुकेशन एंड द लास्ट वन इज टर्शरी एजुकेशन. टर्शरी एजुकेशन ऑल्सो नोन एज हायर एजुकेशन बिकॉज प्राइमरी जो है आपकी, आपको भी पता है कि 1 to 10 है, देन सेकेंडरी इज 11 to 12 एंड टर्शरी आफ्टर 12. सो बेसिकली टर्शरी एजुकेशन इज अ वाइडर टर्म इंस्टेड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. एंड टर्शरी एजुकेशन में आपकी हायर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी अवेलेबल होती है. सो दैट्स व्हाई टर्शरी एजुकेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12. पॉइंट नंबर 12 में हमने इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करनी है. सो बेसिकली 5 स्टेजेस हुए थे हमारे जब इवोल्यूशन हुई थी हमारी एजुकेशन सिस्टम में. फर्स्ट आया था एंसाइन पीरियड. एंसाइन पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक पीरियड. सो वैदिक पीरियड ने ही एक तरह से एजुकेशन को स्टार्ट किया था इन इंडिया. ओके, इसी में ही वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उपनिषद आते हैं जो कि हाईएस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो ऋषिज. देन आया बुद्धिस्ट पीरियड, उसके बाद मिडिएवल पीरियड,
देन फोर्थ वन इज ब्रिटिश पीरियड एंड द लास्ट में आया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन सा आया था। देन 13th पॉइंट रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो आप सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक फॉर्मेट आपके सामने रखा है गवर्नमेंट ने इन 2020 में, तो इसका क्या मेन एम है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है ऑन 21st सेंचुरी, ठीक है, बिकॉज इससे पहले 1968 में आई थी एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद रिवाइज किया गया 1986 में, उसके बाद 1992 में, और फिर 1992 के डायरेक्टली बाद आई है 2020 में। तो इन पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीबिल्ड करना, क्रिएट करना एक नया सिस्टम जो कि 21st सेंचुरी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है SDG 4 जो बिल्ड करता है ट्रेडिशन एंड वैल्यू सिस्टम ऑल्सो। अब इसके अंदर एक रूल इन्होंने डिफाइन किया, दैट इज 5+3+3=4। यू ऑलरेडी नो इन ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में हम बात करते हैं 10+2 की। अब इसको ही इन्होंने चेंज करके इसका नेम रीनेम कर दिया, दैट इज 5+3+3=4। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ 5+3+3=4। तो इसके लिए आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी, उसमें आपको फुल एजुकेशन पॉलिसी क्लियर होगी, बट उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। सो 5 का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज, जो कि बेसिकली फॉर 5 इयर्स के लिए है। सेकेंड स्टेज इज 3 मीन्स प्रिपरेटरी सिस्टम, जो कि 3 इयर्स के लिए है। अगेन 3 इयर्स के लिए मिडिल स्टेज स्टार्ट होती है, एंड द लास्ट स्टेज इज 4 मीन्स सेकेंडरी स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट 15th पॉइंट आता है हमारा कुछ टोटल यूनिवर्सिटीज डाटा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये करंट डाटा पता होना चाहिए कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है। ओके सो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी 49 है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 411 है, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी 123 है, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज 282। सो टोटल इज 865 यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल इन 2020। देन टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज की भी बात करनी बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्चुअल में है कितनी। सो बेसिकली देर आर 2 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट इज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड इज नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। सो वट डू यू मीन बाई एफिलिएटिंग एंड नॉन एफिलिएटिंग? सो फर्स्टली वी डिस्कस एफिलिएटिंग। सो एफिलिएटिंग होती है जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी बेस्ड होती है, मतलब इसको या तो गवर्नमेंट चलाती है और स्टेट चलाती है। तो इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो तो देखो डायरेक्टली आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही इसको काउंसिल करते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट भी करता है और प्राइवेट भी करता है। ये बात क्लियर रखना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अब इसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उस पर भी कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, दिस इज कॉल्ड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। सो नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी आती है जो UGC के अंडर आती है, उसको आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी बोलते हो। दीज आर नॉन एफिलिएटिंग सेंट्रल, जिसका पूरा का पूरा जो आपकी फ्रीडम होती है वो उस कॉलेज पे ही डिपेंड होते हैं, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। अगर बाय चांस आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट करनी पड़े तो वो आप UGC को करोगे। सो UGC ही इसको एग्जामिन करता है और कंट्रोल करता है, ना कि कोई गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसका पूरा कंट्रोल UGC के हाथ में होता है, बट इनका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एप्लीकेशन, क्या एडमिशन प्रोसीजर, इवन फीस तक ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये इनके लिए इनको पूरा फ्रीडम दिया होता है, तो इनकी ऑटोनॉमी इनके पास होती है। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनका कंट्रोल कहाँ रहता है, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास, वैसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंट्रोल है UGC के पास। नेक्स्ट 19th पॉइंट जो है हमारी लिस्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। आई शो यू सम टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू डीम्ड। तो फर्स्ट स्टेट है जो हमारी आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे फर्स्ट इज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, श्री सत्य इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, एंड द लास्ट वन इज कोनेरू लक्ष्मी एजुकेशन फाउंडेशन।
सेम दिल्ली में भी सम डीम्ड यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जामिया हमदर्द, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन एंड म्यूजिकोलॉजी, ऐसे ही आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, CIBS। लास्ट पॉइंट इज दैट इज नो डिटेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी को डेवलप किया गया था ऑन 3 जनवरी 2019 में इन पार्लियामेंट में। इन्होंने कहा था कि कोई भी स्टूडेंट जो है अगर वो प्रमोट होना चाहे तो वो हो सकता है थ्रू क्लास 1 to 8 तक। बेसिकली अगर कोई बच्चा क्लास 5th में है तो वो क्लास 8 में डायरेक्टली प्रमोट हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको डेवलप किया गया था ऑन 3 जनवरी 2019। सो यही आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें हमने फुल हायर एजुकेशन आपका कवर कर लिया। ऐसे ही आपको अगर पेपर 1 और स्पेशली फॉर पेपर 2 सब्जेक्ट इज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से अगर आपको किसी यूनिट्स के फुल यूनिट्स नोट चाहिए फॉर रिविजन के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट्स।